सकते हैं कितने सारे लोग जा रहे हैं और कैसे बैठे हुए हैं। ये पिक्चर हमारी आने वाली यूट्यूबर मैं नागी गोदी बैठी सही है, जबरदस्ती जा रहे हैं हम लोग। भाभी भी बैठी है और बहुत ज़्यादा मतलब भरा हुआ है। हम लोग का ग्रुप आप लोगों ने सत्तर बारह का देखा होगा, तो उसमें गए थे। मैं इस बार जा रहे हैं और अब देखते हैं वहाँ सीहोर जाके सब बताएंगे क्या क्या है। पूरा सीहोर घुमा लेंगे आपको। हाँ पूरा सीहोर घुमाएंगे। ओके बैगन हम लोग बैगन निकल चुके हैं बहुत हो रही है। तो क्या खाया? पहले समोसा। हम लोग नाश्ता करके जा रहे हैं। पहुंच गए जोरेश्वर धाम, निशा जी मात भूमि और बस मंदिर पहुंचने वाले हैं अभी। खेतों में अभी तो मंदिर और हम जा रहे हैं मंदिर। सन्नू बुआजी और बिट्टू और कौन है पीछे? अन्नु और भाभी। हाय हम भुवनेश्वर धाम पहुंच चुके हैं, चलो आपको अब अंदर के दर्शन कराएंगे। ठीक है ओके थैंक यू अंदर के दर्शन कराने के लिए। ठीक है कमेंट करके थैंक यू जरूर बोल देना बिट्टू को, क्योंकि आप लोगों को भुवनेश्वर धाम के लाइव दर्शन करा रही है। ओके आप मंदिर आने वाला है, मंदिर में जाएंगे। बहुत सारी दुकानें लगी हैं यहाँ भी। नहीं तो वहाँ से लेके पड़ा था। बहुत सारी दुकानें लगी हैं और हम लोग जा रहे हैं। यह है मंदिर और ये अभी कंप्लीट नहीं है और ये लोग पीछे रुक गए हैं। बुआ जी की तबीयत सही नहीं थी जिसके कारण वो स्लो चल रही हैं। और क्या बोल रहे हो आप? हम बनाएंगे लोटा तो ले ही नहीं आए। आ चुके हैं कुबरेश्वर धाम। ये बहुत इंजॉय कर रहे हैं, रास्ते में भी बहुत इंजॉय किया। और हमारी पूरी फैमिली आ चुकी है और हम लोग दर्शन करने जाएंगे। और फिर कुबरेश्वर धाम दिखा दो, अभी दिखाएंगे अपन धीरे धीरे से। अभी प्रतिमा दिखाओ। ओके कौन है ये? ये भगवान विष्णु की नेकी हुई प्रतिमा है। आप लोग देख सकते हैं कितनी प्यारी बनाई गई है। कहाँ जाना है? यह है पूरा कुबरेश्वर धाम। बहुत ज़्यादा भीड़ है यहाँ क्योंकि ये बहुत ही मानी हुई जगह है। और यहाँ के बारे में ये प्रतिमा कंप्लीट नहीं हुई है अभी शिवलिंग, अभी ये कंप्लीट होगी उसके बाद फिर एक बार हम लोग फिर से आएंगे फिर बताएंगे। और ये बहुत ही सुंदर बनने वाली है, आप लोग देख के ही समझ सकते हैं कितनी प्यारी लग रही है अभी से। बाकी देखेंगे और आगे इंजॉय करेंगे और आपके साथ सब कुछ शेयर करेंगे। वो लोग आगे निकल चुके हैं इसलिए मैं भी जा रही हूँ, ये लोग जा रहे हैं। बुआ जी मम्मी अन्नू तन्नू भाभी बिट्टू अभिषेक भैया सागर लड्डू गुल्लू भैया मैं, मतलब हम लोग टोटल आप गिनती कर लेना नाम सुन के कितने लोग हुए। और यहाँ हाथ धोने जा रहे हैं। मैंने गए थे दादी के लिए, हम लोगों को रिस्पेक्ट मिल गया है और अब हम लोग जा रहे हैं कुबरेश्वर धाम। हाँ कहाँ जा रहे हैं? प्लीज यार सब्सक्राइब कर देना, हम आप लोगों के लिए इतनी दूर तक लेकर आए। ओ मैं तो नहीं बोलती हूँ बिट्टू ने बोल दिया है। ओके अरे यार ठीक हम लोग कुबरेश्वर धाम पहुँच चुके हैं और अभी लाइन में खड़े हैं। ऐसे नहीं सही से बनाओ बेटा, तो नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, पूरा नहीं लो भले थोड़ी सी। और अभी ले लो, भीड़ है आप देख सकते हो। देख सकते आप बहुत भीड़ है यहाँ पर। चलो अभी जब हम कुबरेश्वर धाम में अंदर जाएंगे तब आपको बताएंगे। ठीक है ये है कुबरेश्वर।
बच्चे के लिए हम फूल तो चढ़ा सका तू कल? ये लोग कहाँ गए? ऊपर गए? हाँ चलो ना अभी आ रहे हैं। घंटा एक घंटा कोई नहीं है तो चले हो? हाँ तो मंदिर में चलो ना। आओ सबसे पहले चलो चलो चलते चलो चलते चलो हम लोग यहाँ जा रहे हैं। हर जगह पूजा हो रही है। बिल्कुल पार्टी बनाने जगह नहीं मिल रही थी हमें, हमारा ऑटो वहाँ फंस गया। लो ये ऑटो आ रहा है, वहाँ हम लोग पार्टी बनाएंगे। अभी हम जा रहे हैं। तन्नु पहुंच गई है, ये लोग खेत में बैठे। फोन लगा के बोलो। तो रोड डल जाएगा कौन सा, मतलब काम चल ही रहा है। तन्नु चटाई बिछा, इसमें बिछाना चटाई। जगह साफ है? हम्म, वो तो भाई ये धुरंधर लीला।